हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि आज की जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ एलर्जीज के बारे में बात करूंगा। वैसे तो गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ एलर्जी के ऊपर, बट गाइस आज आपको एक फर्स्ट एड भी इसमें बताई जाएगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और अगर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हैं तो आप अपने डॉग को इस सिचुएशन से बचा सकते हैं, इस प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारी जो एलर्जीज होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो गाइस, आज हम जो मेनली जो कॉज करवाने वाले कुछ ऐसे जो एजेंट्स हैं, कुछ ऐसी जो एलर्जी होती है, जो ऐसी डर्मेटाइटिस कुछ होती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो आता है आपके सामने, जैसे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, एक्जिमेटस डर्मेटोसिस। अब गाइस, ये एक्जिमेटस जो डर्मेटोसिस है, इसके अंदर स्पेशली क्या होता है, जो डॉग की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसकी जो डर्मेटाइटिस जो होती है, यानी जो डर्मा होती है, बहुत ही वीक पड़ जाती है और रेडिश कलर वहाँ पे डेवलप हो जाता है। यानी जैसा कि आप ऑब्जर्व करोगे, उसे देखोगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, रेडिश कलर वहाँ पर डेवलप हो चुका है और जो स्किन होगी बहुत ही ज़्यादा इची हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी आपके डॉग को। आपका जो डॉग है उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्क्रब करने की कोशिश करेगा, उस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी बन जाएंगे और रब करेगा और लिक करने की भी हैबिट आपको शो होगी, बिकॉज वो उसे इचिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो उससे इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उसे इच करके काफ़ी ज़्यादा उसको घाव बना देता है। तो गाइस, इस चीज़ से आपको अपने डॉग को ज़रूर बचाना है। अब गाइस, बेसिकली माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये होता किस वजह से है। देखिए गाइस, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, लाइक कुछ पोलन ग्रेन होते हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो डर्मेटोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। अब गाइस, जो डर्मेटाइटिस जो टर्म आती है, स्पेशली ये कॉन्टेजियस एक टर्म है। यानी गाइस, अगर आपका जो डॉग है वो हेल्दी है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड डॉग के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज ये कॉन्टेजियस डिजीजेज होती हैं, कॉन्टेजियस कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो स्प्रेड होती है। और गाइस, इनकी जो स्प्रेड होने की जो मात्रा होती है बहुत ही तेज़ होती है, यानी अगर वो एक जगह पर हो गया, पूरी बॉडी को घेरने में उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसलिए गाइस, आपको टाइम रहते इन चीज़ों का ध्यान रखना है और गाइस ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है। सेकेंड जो गाइस आती है हमारे पास, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिंग वॉर्म। अब गाइस, ये रिंग वॉर्म में काफ़ी ज़्यादा डर्मेटाइटिस कॉज करवा देता है। अब कैसे करवा देता है? बेसिकली गाइस, जो रिंग वॉर्म है एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब गाइस, फंगल इन्फेक्शन है वो रिंग वॉर्म करवा देता है, या आप बोल सकते हो अगर रिंग वॉर्म है तो फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है। अब जैसे गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक राउंड राउंड सर्कल टाइप डेवलप हो चुका है, तो ये एक रिंग वॉर्म है। हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। इन तीनों कंडीशन का एक बेसिक ट्रीटमेंट बताया जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा 100% उसका रिजल्टेड होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। अब गाइस, इसके अंदर क्या होता है, जैसे रिंगवर्म डेवलप हो चुका है, वो धीरे से पहला एक स्पॉट बनेगा, फिर बाद में उसकी जो क्वांटिटी है या जो उसकी जो घेरने की जो एपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सर्कल वो बड़ा होता जाता है और काफ़ी ज़्यादा एरिया को डैमेज कर देता है और वहाँ से एलोपेशिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब गाइस, एलोपेशिया क्या होता है? बालों का झड़ना। अब गाइस, क्या होता है, जो रिंगवर्म होता है, ऐसी जो हेयर के जो शाफ्ट होते हैं, जो फॉलिकल होते हैं, उनको कमज़ोर कर देता है, जो केराटिन होता है उसके बिल्कुल ही मात्रा को घटा देता है, उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा पैच बन जाता है और जिसकी वजह से एलोपेशिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी गंजापन उसमें आ जाता है। अब गाइस, एक आता है हमारे पास पायोडर्मा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब गाइस, पायोडर्मा क्या होता है? पायो का मतलब होता है पस, डर्मा मतलब स्किन। अगर गाइस स्किन के ऊपर पस की डेवलपमेंट हो जा रही है किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से, या कभी उसे पहले कोई कैंसर वगैरह हुआ हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो, या उसकी वजह से जो पायोडर्मा की कंडीशन डेवलप हो जा रही है, यानी स्किन के ऊपर पस आ जा रही है। अब गाइस, इसका ट्रीटमेंट भी एक बेसिक ट्रीटमेंट है। देखिए गाइस, आपको ऐसे वेट नहीं करना कि जब ये क्रॉनिक सिचुएशन में चला जाएगा, यानी जब ये बढ़ जाएगी मैं उसका ट्रीटमेंट करूँ, नहीं। अगर आपको एक पिंपल भी दिख रहा है ना स्किन के ऊपर, आपको तभी कुछ मेडिसिन ज़रूर देनी है अपने डॉग को, बिकॉज गाइस अगर आप प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अब गाइस, ये एक स्किन इन्फेक्शन के ही पार्ट होते हैं कुछ, जो मैंने तीनों आपको बताया है, और गाइस ये क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से पस की डेवलपमेंट आपके डॉग में हो जाती है। अब गाइस, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पैरासिटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, यानी पैरासाइट की वजह से अगर डर्मेटाइटिस हो रही है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो गाइस, बेसिकली जो पायोडर्मा होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो गाइस, ये कुछ तीन बेसिक एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब गाइस, मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसा कि गाइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किस्किन नाम से एक क्रीम आती है। अब गाइस, एक लोशन आता है, एक क्रीम आती है। मैं लोशन नहीं बोल रहा आपको, सिर्फ आप ओनली क्रीम अप्लाई कर सकते हो। आपको गाइस, ये जो क्रीम है,
दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करनी है, यानी दिन से 4 बार मान के चलो आप सुबह कर लो, फिर दोपहर यानी 12 बजे के टाइम, फिर आप 2 बजे भी कर सकते हो, फिर रात को सोने के टाइम भी, यानी दिन में 4 बार आपको किसी भी टाइम अप्लाई करना है उस स्पॉट के ऊपर। अगर वहाँ पे रिंग वॉर्म है तो रिंग वॉर्म जो साइट है उसके ऊपर अप्लाई करना है, जहाँ पे इची स्किन डेवलप हुई है आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है। अब गाइस एक टैबलेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही एक अच्छा जिसका रिजल्ट है, सेफपेट नाम की टैबलेट है, एंटीबायोटिक है और इसके अंदर जो साल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है और बहुत ही एक अच्छा साल्ट है। और अगर उस साल्ट की मेडिसिन आपको कहीं और भी मिलती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप सेफपेट का यूज़ करें, बहुत ही एक अच्छा रिजल्टेड प्रोडक्ट है। अब गाइस ये सेफपेट जो टैबलेट है वो आपको कैसे देनी है, अगर आपके डॉग का वेट 20 kg है तब आप अपने डॉग को एक टैबलेट दे, यानी गाइस दिन में एक देनी है। और गाइस आपको ये जो कोर्स है 5 days तक रिपीट करना है, यानी 5 दिनों तक आपको ये लगातार करना है प्रोसेस, आपका डॉग ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं आशा करता हूँ जो आज की जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो कुछ नॉलेजफुल रही होगी और इससे आपकी कुछ हेल्प भी हो जाएगी। और गाइस अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this and please do like, subscribe and comment. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.